हेलो एवरीवन, देसी लॉ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 जो न्यायिक पृथककरण के बारे में बताती है, जिसको हम इंग्लिश में जुडिशियल सप्रेशन बोलते हैं। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जो आधार तलाक के हैं, संबंध विच्छेद के हैं, उन्हीं आधार पर हम न्यायिक पृथक्करण ले सकते हैं, तो जिसको धारा 13 की उपधारा 1 में वर्णित किया गया है। आइए जानते हैं उन आधार के बारे में जिनके आधार पर न्यायालय में न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन दिया जा सकता है। हमारा पहला आधार है दोस्तों, जारता। यदि पति या पत्नी किसी गैर से शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं तो इसके आधार पर न्यायालय में न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन दिया जा सकता है। हमारा दूसरा आधार है दोस्तों, क्रूरता। यदि पति या पत्नी कोई क्रूरता पूर्वक व्यवहार करता है तो उसके ऊपर भी न्यायालय में न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन दिया जा सकता है। हमारा तीसरा आधार है दोस्तों, अभित्याग। यदि किसी ने एक दूसरे को अभित्याग कर दिया है तो इसके आधार पर भी न्यायालय में न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन किया जा सकता है। हमारा चौथा आधार है दोस्तों, धर्म परिवर्तन। यदि पति या पत्नी दोनों में से किसी एक ने हिंदू धर्म को त्याग कर किसी अन्य धर्म को अपना लिया है तो ऐसे में इस आधार पर न्यायालय में न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन किया जा सकता है। हमारा पांचवा आधार है दोस्तों, पागलपन। यदि पति या पत्नी दोनों में से कोई पागलपन का शिकार है या विकृत चित्त है तो इसके आधार पर भी न्यायालय में न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन दिया जा सकता है। हमारा छठा आधार है दोस्तों, कुष्ठ रोग। यदि पति या पत्नी दोनों में से किसी को एक साल से कुष्ठ रोग है तो वो न्यायालय में इस आधार पर न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन दे सकते हैं। हमारा सातवां आधार है दोस्तों, संचारी रोग। यदि पति या पत्नी दोनों में से कोई संचारी रोग से पीड़ित है उसके आधार पर न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन दे सकते हैं। यहाँ दोस्तों, संचारी रोग का आशय है संक्रमित रोग। अगर पति या पत्नी दोनों में से कोई किसी गंभीर संक्रमित बीमारी से संक्रमण है तो उसके आधार पर न्यायालय में न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन दिया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों, मान लीजिए पति या पत्नी किसी एक को HIV एड्स हुआ है, अगर वो आपस में शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं तो दूसरे को HIV एड्स होने की संभावना है तो इस आधार पर भी न्यायालय में न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन किया जा सकता है। हमारा आठवां आधार है दोस्तों, संन्यास। यदि पति या पत्नी दोनों में से किसी एक ने संन्यास ग्रहण कर लिया है तो उसके आधार पर भी न्यायालय में न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन किया जा सकता है। हमारा नौवां आधार है दोस्तों, 7 साल से लापता। यदि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी 7 साल से लापता है तो और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है तो इसके आधार पर भी न्यायालय में न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन किया जा सकता है। दोस्तों, जो ये 9 आधार हमने जाना, ये 9 आधार धारा 13 की उपधारा 1 के अंतर्गत पति और पत्नी दोनों को प्राप्त है। दोनों इस आधार पर न्यायालय में न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, धारा 13 की उपधारा 2-4 ऐसे विशेष आधार प्रदान करते हैं जो सिर्फ महिला को ही प्राप्त है। इन 4 आधार के ऊपर सिर्फ महिला ही न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन कर सकती है। हमारा पहला आधार है दोस्तों, यदि शादी से पूर्व पति की कोई जीवित पत्नी है
तो इसके आधार पर पति पत्नी न्यायालय में न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन कर सकती है। दूसरा आधार है दोस्तों, यदि पति बलात्कार, गुदा मैथुन या पशुगमन का अपराध कारित किया है तो महिला न्यायालय में न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन कर सकती है। हमारा तीसरा आधार है दोस्तों, सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत अगर महिला के पक्ष में भरण पोषण का आदेश पारित हुआ है, आदेश पारित होने के बाद एक साल के अंदर दोनों में सहवास नहीं हुआ है तो इस आधार पर महिला न्यायालय में न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन कर सकती है। और हमारा जो चौथा आधार है दोस्तों, अगर किसी महिला की शादी 15 वर्ष से पूर्व में हुई हो और वो 18 वर्ष के पूर्व भी इस विवाह का निराकरण कर देती है तो ऐसे में महिला न्यायालय में न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन दे सकती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।